अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप लोगों ने पाई नेटवर्क का अकाउंट बना लिया, ठीक है, उस अकाउंट बना लिया, अकाउंट बनाने के बाद आपने उसकी केवाईसी भी कर लिया, केवाईसी करने के बाद लेकिन अभी तक वो आपकी केवाईसी बिल्कुल मुकम्मल और कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। तो अब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि पाई में माइनिंग किस तरह से की जाती है, और उसके अलावा हम बताएंगे कि पाई का वॉलेट किस तरह से कन्फर्म किया जाता है और किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आप हमारी वीडियो को जो है ना देखा करो, शेयर किया करो, इसमें आपका फ़ायदा होता है, ठीक है। हमारी कोशिश होती है कि हम एक एक स्टेप जो है ना बड़े गौर अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाएं। तो जिन जिन लोगों की अभी तक केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है, तो मेरी इस वीडियो को देखें, आपने पहले वाली वीडियो को देखा होगा, मैंने पहले वाली वीडियो में जो है ना मुकम्मल केवाईसी करके बताई है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना, ठीक है। उसके अलावा जो भी तीन किस्म के जो है ना स्टेप वगैरह थे, मैंने वो वाले तीनों स्टेप बता दिए हैं, सही है। तो आप लोगों ने वहाँ से जाकर पहले वो केवाईसी देखनी है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने केवाईसी करने के बाद जो है आपने इस तरह से वॉलेट जनरेट करना है, कन्फर्म करना है और क्रिएट करना है, सही है। क्रिएट करने के बाद आप लोगों को, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपका वॉलेट बना हुआ होगा तो आपके पाई उस वॉलेट के अंदर आएंगे, ट्रांसफ़र होंगे, जिसको आप सेल भी कर सकोगे, परचेज भी कर सकोगे, ठीक है, ट्रांसफ़र भी कर सकोगे। तो गाइस, किस तरह से जो है ना ये प्रोसेस होगा उसकी मुकम्मल डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों से बस गुजारिश है कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, सिर्फ आपका प्यार मोहब्बत, एक छोटा सा कमेंट वगैरह दे दिया करें, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हम आपको जो है ना मुकम्मल तरीक़ेकार बताएंगे किस तरीके से जो है ना हम लोगों ने अपने केवाईसी के मज़ीद आगे के स्टेप को लेकर चलना है, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि हम इसी वीडियो के अंदर जो है ना पाई की माइनिंग के बारे में भी वो बात कर लें कि पाई की माइनिंग वगैरह किस तरह से होती है, क्योंकि कई लोगों को जो है ना अभी इस बारे में इल्म नहीं है कि पाई की माइनिंग किस तरह से होती है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, मोबाइल की स्क्रीन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि हमारी पाई की केवाईसी के मजीद जो इस टाइप किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। हाँ, तो दोस्तों हम ये मोबाइल की स्क्रीन की तरफ आ गए। अभी हम लोगों ने माइनिंग करनी है पाई की माइनिंग किस तरीके से होगी। अब हम गए, अपने पाई को ओपन किया, ये ओपन हो रहा है। अभी हमने इस पर जो है ना माइनिंग करनी है, तो माइनिंग किस तरीके से करनी है तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ईजी और सिंपल तरीका। ये लोडिंग हो रहा है, जैसे लोडिंग हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। ज़रा नेटवर्क स्लो है, जिसकी वजह से जो है ना ज़रा मसला आता है। ये देखें, ये स्क्रीन ऑन हो गई है। सिंपल आपने ये जो एरो नज़र आ रहा है टैप टू माइन, इसके ऊपर लिखा है, इसके ऊपर वो गोल दायरा बना हुआ है, आपने सिर्फ इस दायरे के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है माइन, आपने इसके ऊपर माइन कर देना है। अब जैसे ही आप माइन कर रहे हैं तो ये, हाँ, तो दोस्तों ये दो ऐड चलेंगे आपके पास, आपने इन दो ऐड को चलाना है, स्किप कर देना है, ठीक है ना। बाकी आप देखें मजीद आगे हो रहा है, आप देखते रहिए। इसको नेक्स्ट किया, अब एक और ऐड चल रहा है, ये दूसरा ऐड भी चल गया, तो हमने इसको क्रॉस किया। तो गाइज, ये आपकी माइनिंग कम्प्लीट हो चुकी है, ये आपने माइनिंग कर ली है, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों अब हम जाने, हम जो है पाई का वॉलेट क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, तो आपने सेम टू सेम हमारे साथ चलना है। हम गए अपने पाई के ऊपर, पाई को खोला, पाई खोलने के बाद हमने ये साइन इन पाई ब्राउजर पे किया, क्लिक करना है आपने साइन इन पाई ब्राउजर पे। ये जैसे साइन इन पाई ब्राउजर पे खोला, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आपने पाई ब्राउजर साइन इन पाई ब्राउजर किया, ये पाई ब्राउजर खुल रहा है आपका। ये जैसे आपका पाई ब्राउजर खुल जाता है तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये लोडिंग हो रहा है, जैसे ये लोडिंग हो जाता है मैं आपको मजीद बताता हूँ कि आगे क्या करना है, ठीक है दोस्तों। ये खुल गया है, पर अब हमने यहाँ वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है, सही है, क्योंकि हम लोगों ने वॉलेट क्रिएट करना है। हम इस वक्त बना रहे हैं पाई का वॉलेट, ये लोडिंग हो रहा है, जैसे लोडिंग हो जाता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ लिखा हुआ है जनरेट न्यू वॉलेट, आपने जनरेट न्यू वॉलेट पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना आपको जो है ना वो पासवर्ड दे देगा, आपने इसको कॉपी कर लेना अपने पास, ये संभाल के रखना है आप अपने पास, ठीक है। हाँ, ये आपने संभाल के रखना है अपने पास, और इसके अलावा आप फिंगरप्रिंट को भी यूज कर सकते हो, नीचे लिखा हुआ यूज फिंगरप्रिंट। अब मैं यहाँ से यूज फिंगरप्रिंट को जो है ना क्लिक करूंगा, ताकि आपके मोबाइल में जो ये फिंगरप्रिंट है, ये देखें, ये मैं अभी फिंगरप्रिंट को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप जो है ना बार बार आपको पासवर्ड जो है ना वो नहीं लगाना पड़े, ठीक है। तो आप डायरेक्ट फिंगरप्रिंट से जो है ना अपना अकाउंट, अपना वॉलेट ओपन कर लें। तो दोस्तों ये जो है ना मैंने फिंगरप्रिंट से ओपन कर लिया है, सही है।
अब ये हमारा वॉलेट जनरेट हो चुका है, ठीक है। ये हमारा इधर हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, ये हमारा वॉलेट जनरेट हो गया है। तो दोस्तों सेम टू सेम आपने इसी तरीके से करना है, ठीक है। अब हम लोगों ने करना है कि वॉलेट को कंफर्म किस तरीके से करना है, ठीक है। अब हम आगे मजीद जाते हैं कि हमने वॉलेट को जो है ना कंफर्म किस तरीके से करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हाँ, अब मजीद जो है ना आगे का स्टेप है वो मैं आपको बताऊंगा कि हमने वॉलेट को कंफर्म किस तरीके से किया, ये माइग्रेशन वगैरह, ये हिस्ट्री वगैरह, ये आपका वॉलेट जनरेट हो चुका है। तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूं कि हम लोगों ने जो है ना वॉलेट को कंफर्म किस तरीके से करना है, ठीक है। मैं आपको कंफर्म करने का मुकम्मल तरीका भी बता रहा हूं, ठीक है। जरा गौर से देखिएगा, देखें वीडियो हमारी लंबी हो रही है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि आपको स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएं। तो अब हम, हाँ तो दोस्तों अब हम लोग वॉलेट जनरेट कर रहे हैं, कन्फर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये आपने फाइल लिखा हुआ है, इसके ऊपर वो करना है, क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो है ना ये लिखा हुआ है यहाँ पे माइग्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपके पास जो है ना ये ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ कंफर्म पाई वॉलेट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जो है ना पासवर्ड अपना ऐड करना है या फिंगरप्रिंट लगाना है, सही है। तो जैसे ये पासवर्ड या फिंगरप्रिंट ऐड हो जाता है, आपने यहाँ से कन्फर्म योर वॉलेट कर देना है। ये आपने यहाँ से कन्फर्म योर वॉलेट किया, जैसे क्लिक किया इसके ऊपर आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, सही है। तो आपने इसको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। ये आपने जैसे कंटिन्यू किया तो ये अभी लोडिंग पे जा रहा है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ कंटिन्यू कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है, सही है। तो ये हम अपना फिंगरप्रिंट लगा रहे हैं, ये फिंगरप्रिंट लग गया। तो जैसे फिंगरप्रिंट लगा था हमारे पास ये देख रहे हैं अभी हमारा वॉलेट कंफर्म हो चुका है, ठीक है। तो गाइज हम लोगों ने अपने मुकम्मल स्टेप कम्प्लीट कर लिए हैं, जी हाँ। आप ये चेक कर सकते हैं, ये हमारा वॉलेट KYC रिजल्ट जो है ना वो हमारे को बता रहे हैं कि बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। और ये हमारे को बता रहे हैं कि 14 दिन बाद जो है ना आपके पाई ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ट्रांसफरेबल। हाँ तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो, कोई भी बात समझ में नहीं आई हो, तो आप हमारे को कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये सही से समझ नहीं आए, क्योंकि मैं मोबाइल पे बनाता हूँ, अगर आप लोगों को सही से समझ में नहीं आए तो आप अपनी वीडियो को बिल्कुल स्लो करके फिर प्ले करके देख लिया करें, क्योंकि जब आप बिल्कुल स्लो करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आएगा कि किस तरीके से जो है ना मैंने वीडियो बनाई और किस तरीके से जो है ना आपने इसको लेकर चलना है, ठीक है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहें। मजीद अच्छी अच्छी वीडियो और ऐसे प्लेटफॉर्म जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और उसके अलावा हम कुछ इस तरह के स्किल्स आपको सिखाएंगे जो कि आप जो है ना दूसरों के मोहताज होते हैं, ठीक है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, आपकी समझ में नहीं आते, हम वो तमाम स्किल्स वगैरह आपको बताएँगे, सिखाएँगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार दें और एक प्यारा सा कमेंट दे दें, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।